जिन्हें देखने के लिए उमड़ती है लोगों की लाखों की संख्या में भीड़। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीच। जी हां, सिपाही से बन गए परमात्मा, कौन है हाथरस के भोले बाबा, चलिए जानते हैं उनकी कहानी। इंटेलिजेंस विभाग के सिपाही सूरजपाल सिंह ने 17 साल पहले नौकरी से इस्तीफा दिया और खुद को नई पहचान दी। ये पहचान थी साकार विश्व हरि की। अंदाज संत महात्मा और प्रवचन देने वालों से एकदम अलग। सूट बूट और काला चश्मा, मंच पर चांदी का चमकता सिंहासन और बगल में दूसरी कुर्सी पर पत्नी। पूजा सामग्री और न प्रसाद न फल। हर सत्संग सभा में लाखों की भीड़ उमड़ती, लेकिन ना तो पुलिस की सुरक्षा के लिए आवेदन किया जाता और ना ही कोई बड़ा प्रचार प्रसार। खुद को सकार विश्व हरि बताने वाले भोले बाबा ने अपनी पैतृक जमीन पर आश्रम की स्थापना की। इसके बाद घूम घूम कर सत्संग शुरू कर दिया। बाबा का प्रभाव बढ़ते ही गांव गांव और शहरों में समितियां बन गई। इन समितियों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में सत्संग का आयोजन कराया जाने लगा। सत्संग में जुटने वाली भारी भीड़ की सुरक्षा के लिए बाबा पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं करते। ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारी बाबा के गुलाबी रंग की वर्दी वाले सेवादार ही निभाते हैं। सेवादार बनने के लिए भक्त आवेदन करते हैं। इन सेवादारों की आयोजन से पहले ड्यूटी लगाई जाती है। समिति के प्रमुख इनकी ड्यूटी लगाते हैं। वहीं आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति में कहीं भीड़ की संख्या का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रवचन के दौरान भगदड़ मच जाने से लोगों में आपाधापी हुई, जिसके कारण अभी तक देखा गया कि 116 लोगों की जान जा चुकी है। जी हां, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा प्रवचन के उपरांत गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल से निकले, तभी महिला पुरुष व बच्चों द्वारा उनकी गाड़ी से गुजरने के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया। लाखों की भीड़ के दबाव के कारण नीचे बैठे झुके श्रद्धालु दबने और कुचलने लगे। चीख पुकार मच गई। जीटी रोड के दूसरी ओर लगभग 3 मीटर गहरे खेतों में भरे पानी एवं कीचड़ में बेतहाशा दबती कुचलती भागती भीड़ को आयोजन समिति एवं सेवादारों ने अपने हाथों में लिए डंडों से जबरदस्ती रोक दिया। इसके कारण भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया और महिला बच्चे एवं पुरुष दबते और कुचलते चले गए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पीच। तब तक के लिए धन्यवाद।